हेलो बच्चों वेलकम टू पंजाब क्लासेस आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन के टॉपिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको अगर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें तो चार से पांच मिनट लगेंगे लेकिन हम सीखेंगे एक ऐसा मेथड जिससे कि हमारा आंसर पंद्रह से बीस सेकेंड के अंदर आ जाए कैसे देखते हैं वीडियो में तो आज का कॉन्सेप्ट क्या होगा लेट्स कंसिडर एन इंटीग्रल एक्स पावर एन इंटू एफ एक्स डी एक्स x पावर n में n क्या है n एक नेचुरल नंबर है और fx हमारा या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा साइन या कॉस का या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा e का दैट इज fx हमारे पास क्या हो सकता है sin mx cos mx e पावर mx तो ये इंटीग्रल हमारे पास कैसा इंटीग्रल बनेगा ये बनेगा x2 sin 3x या फिर x3 cos 4x या फिर x पावर 4 e पावर 3x इस तरह के इंटीग्रल्स बनेंगे बच्चों इस तरह के इंटीग्रल्स को हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हमें मेथड पता है वो मेथड होता है बाय पार्ट्स का या जिसको प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं लेकिन हम सीखेंगे एक मेथड जिसका नाम है डी आई मैथड डी स्टैंड फॉर डिफिनेशन तो हम लोग एक्स पावर एन वाले फंक्शन को डी से डिनोट करेंगे और एफ एक्स फंक्शन को आई से डिनोट करेंगे जैसे कि ये एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें मैं एक्स केयर को डिनोट करता हूँ डी से और कॉस्ट को डिनोट करता हूँ आई से तो so, हम क्या करेंगे जो हमारा एक्सकिर वाला फंक्शन है इसको डिफरेंशियट करेंगे कॉस्ट टू एक्स वाला फंक्शन हम इंटीग्रेट करेंगे कैसे मैं सबसे पहले यहां ले, ले लेता हूं एक्सकिर वाला फंक्शन जिसको कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है पहले हम इस फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे दैट इज एज इट इज नेक्स्ट अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे नाउ एक्सकेयर की डिफ्रेंशियन क्या होगी यू पीपल नो वेरी वेल टू एक्स अब फर्दर फिर टू एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे टू एक्स की डिफ्रेंशियन क्या हो जाएगी टू और फर्दर फिर टू की डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि हो जाएगी जीरो नेक्स्ट अब हमने ये फंक्शन लेना है जिसको आई से नोट किया है लेकिन यहां पे डायरेक्टली हम इसका इंटीग्रल लिखेंगे जो D वाला फंक्शन था हमने पहले उसको लिखा और फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते गए यहां पे हम लोग शुरू करेंगे कॉस टू एक्स से और डायरेक्टली उसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो कॉस टू टू एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है ये हो जाएगा साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू और अब हम नेक्स्ट स्टेप में साइन टू एक्स टू का इंटीग्रेशन लिखेंगे जो कि क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टू एक्स डिडेड बाय टू एंड बाय फोर दैट इज एट और अब हम लास्टली माइनस साइन टू एक्स बाय का इंटीग्रल लिखेंगे, लिखेंगे जो कि आ जाएगा कॉस ऑफ टू एक्स बाय टू एंड एट दैट इज सिक्सटीन

बट विद माइनस साइन मल्टीप्लाइड विध माइनस साइन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके बन जाएगा एक्स इंटू कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू टू इंटू वन बाय फोर टू बन जाएगा नाउ नेक्स्ट वन टू इंटू माइनस ऑफ साइन टू एक्स बाई एट विद माइनस साइन माइनस इंटू प्लस तो यहां माइनस आ जाएगा और ये मिल जाएगा मुझे साइन टू एक्स बाय फोर

तो यहां पे फिर से एक्स क्यू वाला फंक्शन टी होगा और ई पावर थ्री एक्स वाला फंक्शन आई होगा तो मैं टी वाले फंक्शन को पहले लिखता हूं तो टी वाला फंक्शन मेरा बनेगा दैट इज एज इट इज नाउ इट्स डेरिवेटिव थ्री एक्स्यक्स का डेरीवेटिव सिक्स एक्स सिक्स एक्स का डेरीवेटिव सिक्स और सिक्स का डेरीवेटिव जीरो और यहां पे आई वाला फंक्शन ई पावर टू एक्स डायरेक्टली ई पावर टू एक्स का इंटीग्रल इट विल बी विल्स बाय टू

That is it. यहाँ पे फिर से जीरो इंटू दिस विलो हमारा answer आ गया है ये. तो बहुत जल्दी हमारा विदाउट इंटीग्रेटिंग अगेन एंड अगेन एंड यूजिंग बाई पार्टो बच्चों बहुत ईजी मैथड है ये इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए और अब मिलेगा आपको आज का होमवर्क जिसको कि हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्यू ओ डी आप इसको सोल्व कीजिए और कॉमेंट्स में इसका आंसर भेजिए तो क्वेश्चन होगा x पावर फाइव इंटू कॉस ऑफ इलेवन एक्स का इंटीग्रल तो आई होप आपको ये मैथड डी आई मैथड शॉर्टकट मैथड जो ट्रिक थी इंटीग्रेशन की इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने की समय लगी होगी और इस तरह के वीडियोस आप और देख सकते हैं प्लेलिस्ट में और और आने वाले वीडियोस में भी देखते रहिए पंजाब क्लासेस टेक केयर गुड बाय